नमस्कार, मैं अग्रसेन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बी न्यूज। हम आपको बता दें कि इस समय बिहार और यूपी की जो बॉर्डर है वहाँ हम खड़े हैं और जो सड़क है पीछे मेरी सड़क देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन सड़क दिखाई दे रही है। और अगर इस सड़क यानी बिहार के बाद जब यूपी में हम आते हैं, यह यूपी की सड़क है, आप तस्वीर देख सकते हैं यूपी की सड़क जो है क्या स्थिति है, गड्ढा मुक्त सड़क। सरकार लगातार दावा कर रही है कि गड्ढा मुक्त सड़क। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये पत्थर देखिए, ये आसानी से निकल जाते हैं और ये सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़क। चाचा ये बताइए, गड्ढा मुक्त सड़क की बात कर रही है सरकार, आप शायद बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की सड़क बिल्कुल चकाचक है और यूपी की सड़क क्या है? वही देखिए क्या है, सब खंडहर तो है, मतलब खड़बड़ खड़बड़ पत्थर। मतलब बिहार की सड़क चकाचक और यूपी की सड़क खंडहर खंडहर है। आप जब सुने हैं चाचा कह रहे हैं कि बिहार की सड़क चकाचक और यूपी की जो सड़क है वो खंडहर हो गई है। यहाँ के जो विधायक हैं, रामपुर कारखाना क्षेत्र है ये, विधायक कमलेश शुक्ला जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो सड़क है, सड़क क्यों खंडहर बनी हुई है? खंडहर हो गया है सर, सब कमी है। किसकी कमी है? नेता लोगों की कमी है। तो आप क्या चाहते हैं? इसको बनना चाहिए। इस बार जो वोट करेंगे आप तो क्या मुद्दा होगा? आप सड़क नहीं बनी है तो वोट नहीं करेंगे? नहीं बने, वोट करने देंगे हम। किसको वोट देंगे? अखिलेश शाही को वोट देंगे। अखिलेश शाही कौन है? ठीक है, नौतन का है। अच्छा ये ठीक है, चुनाव में ये इनका ये है कि जो यहाँ के अच्छा काम करेंगे उनको वोट करेंगे। आप यहाँ कुछ युवा लोग हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। ये युवा हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है यूपी में, चुनाव बहुत जल्द होना है जिसको लेकर काफ़ी तैयारियाँ भी चल रही हैं, एक से एक दावे किए जा रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क की बात कही जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये गड्ढा मुक्त सड़क है या नहीं है? नहीं है। तो आपका जो इस बार वोट करने का मुद्दा होगा वो क्या होगा? हमारा मुद्दा यही होगा कि भाई हमारा सड़क नहीं है अच्छा, सड़क बनवाने का विकास हो, बिजली भी बिहार की तरफ बिजली भी नहीं मिल रहा है इधर, समस्या हम लोग आने जाने में, देवरिया जाने आने जाने में बहुत समस्या है, परेशानी है, तो हम लोग क्या करें? इसके दोषी कौन है? आखिर दोषी कौन है जब सड़क टूट गई है? सरकार कह रही है कि गड्ढा मुक्त सड़क और इसकी ये बिल्कुल टूटी हुई सड़क है, दोषी कौन है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को ही जिम्मेदार कहा जाएगा ना भाई। और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, विधायक उन्हों का भी कुछ दायित्व बनता है लेकिन वो लोग को दिखाई नहीं दे रहा। चीज बताइए, कमलेश शुक्ला जी जो है वो आपके क्षेत्र में आते हैं कि नहीं जन समस्या सुनने के लिए? अभी तक तो नहीं आए हैं लेकिन आगे देखा जाए, अभी चुनाव आने वाला है तो आएंगे जरूर। विधायक जी कभी इस क्षेत्र में आते नहीं है। आप बताइए कि जो सड़क है यहाँ पे राजस्व के नाम पे शराब जो बिक्री होता है उससे भी पैसा आता है जबकि बिहार में नहीं आता है, बिहार की सड़क बिल्कुल क्लीन है, यहाँ सड़क टूट गई है, तो क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं सरकार बनवा पा रही है? अब सरकार ये बताएगी कि भाई क्यों नहीं हम बनवा रहे हैं सड़क, हम लोग तो सरकार को चुने हैं। वो विधायक जी कभी आते हैं आपके? विधायक जी तो कभी आए ही नहीं है, जब से चुने गए हैं कमलेश शुक्ला जी कभी भी नहीं आए। इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ हाँ, एकदम परिवर्तन भाई। किसको देखना चाहते हैं परिवर्तन के रूप में? परिवर्तन के रूप में यही है, हमारा क्या नाम है कि अखिलेश यादव जी जो है पहले रहे हैं, अच्छा विकास किए थे। हाँ, और शिक्षा निधि में भी कुछ फंड फुंड आ रहा था, मान लीजिए बच्चों का वजीफा दे रहे थे, गरीब बच्चे का नाम शिक्षा उसे प्राप्त कर रहे थे, इस समय कुछ नहीं मिल रहा है। ये सरकार सब कुछ छीन ली, ये सब सरकार सब। आइए एक हमारे यहाँ के निवासी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि बिहार की सड़कें क्लीन है और यूपी की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई है और सरकार गड्ढा मुक्त की बात कर रही है, क्या कारण है? उनकी तो हम शक्ल देखे ही नहीं, हम कहीं बोलते हैं कि यहाँ से हम वोट ही नहीं पाए हैं। किसको किसको नहीं देखे आप? शुक्ला जी को। विधायक जी यहाँ के? हाँ। आते ही नहीं आपके यहाँ? क्यों नहीं आते भाई? नहीं आते, क्या पता नहीं आते, कभी इस गाँव में हम वोट ही नहीं पाए। तो इस बार क्या करेंगे, चुनाव परिवर्तन करेंगे कि फिर उनको ही आप लोग विधायक बनाएंगे या कुछ और? जनता के ऊपर है ना प्रवर्तन, जनता अपनी समझदारी से जो करेगी करेगी। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं प्रवर्तन करने के लिए। तो इस बार विकास का मुद्दा लेकर वोट करेंगे? हाँ, करेंगे। तो कोई ऐसा विधायक आप चुनना चाहते हैं जो आपके क्षेत्र में आए? हाँ, अच्छा। तो आप सुन रहे थे कि ये जो कमलेश शुक्ला यहाँ के विधायक हैं वो कभी इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बता रहा था आपको कि लगातार लोगों की शिकायत है कि कमलेश शुक्ला यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक है, क्या यहाँ पर फिर पुनः विधायक जी इस क्षेत्र में भ्रमण करेंगे या नहीं करेंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, ये समय बताएगा।